साबिक DGISI फैज हमीद ने शौकत अजीज सदीकी केस में जवाब जमा करवा दिया। उन्होंने शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जवाब में कहा गया कि अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। जनरल फैज हमीद ने अपने जवाब में कहा कि शौकत अजीज सदीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशियल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उम्मीदवारान और सियासी जमातों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स न की जाएँ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। अपने हल्का इंतखाब NA 123 में खिताब के दौरान शहबाज़ शरीफ ने कहा कि लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। और नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा कि पीरनी बीबी के जो शिकार हैं वो रोबोट बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो रोबोट बन चुके हैं वही पीटीए के साथ हैं, ना वो सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं।